आज देश की वर्तमान हालत जो है सारा बहुजन समाज त्राही त्राही कर रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, आप एक विधायक हैं, आपको समाज ने इस एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे वो समय याद आता जब हम लोग किताबों में पढ़ते थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, भारतवर्ष में आई थी, और इस देश को कैसे गुलाम बनाया था। तो ये जो भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गोरे अंग्रेज दूर से दिखते थे, ये काले अंग्रेज अपने जैसे लगते हैं जी। इन लोगों ने जो संविधान को बदलने की एक मुहिम छेड़ रखी है, देश के मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की एक मुहिम छेड़ रखी है, ये लोग अपने मिशन पे हैं जो इन लोगों ने करना है। बेसिकली कमी कहाँ पर है? कमी कुछ हमारे लोगों की है जो लोग राजनीतिक पार्टियों में है। आप देख लीजिए, लोग विधायक भी हैं, लोग संसद में भी हैं, 130-131 के करीब सांसद हैं, और जब एट्रोसिटी एक्ट पे प्रहार होता है तो जब कोई नहीं बोलता, और फिर देश का बहुजन जब रोड पे आता 2 अप्रैल को, भारत बंद होता है, उसके बाद भी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बोलता, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं पासवान बाबू भी बोलते हैं, चिराग बाबू भी बोलते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहले पर्यावरण विभाग में ना रहे हों, हो सकता है उनको कहीं आभास हो के देश के बहुजन भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, हो सकता है वो कांग्रेस में आने वाली हो। तो ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं राजनीति में जो लोग आए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में आएंगे वो उन पार्टियों के कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार लोग होंगे, और वो झलकता है इन लोगों के व्यवहार से। ये समाज के प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये लोग उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी दलाली करते हैं, ये सिर्फ इतना काम करते हैं। इसीलिए आज देश कमज़ोर हो रहा है, संविधान कमज़ोर हो रहा है, और हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनकी वजह से कमज़ोर हो रहा है।